अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने लगे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट हमारे पास चैप्टर है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, बहुत अरसे तक जो है ये ख्याल किया जाता रहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, अपनी प्रॉपर्टीज़ में भी और अपने स्ट्रक्चर में भी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहा जाता था जो कि लिविंग सिस्टम से हासिल किए जाते थे, ठीक है। और काफ़ी अरसे तक क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं प्रिपेयर किया जा सका था, तो एक कंसेप्ट बन गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग सिस्टम के अंदर ही मैन्युफैक्चर होते हैं, इनको लैब्स में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। क्योंकि इनको लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो ये बात जहन में आ गई कि कोई ना कोई सुपर नेचुरल फोर्स है लिविंग सिस्टम्स के अंदर जिसकी वजह से लैब में मौजूद नहीं होती, इसलिए लैब में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट था इसने एक थ्योरी की शक्ल ले ली थी जिसको बोलते थे कि वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल का मतलब यहाँ पर वो सपोर्ट कर सकता है और लिविंग सिस्टम के अंदर ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरेट या प्रिपेयर हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के ये टू बेसिक पॉइंट्स थे। लेकिन लेटर ऑन फ्रेडरिक वोलर ने, एक साइंटिस्ट था जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। हुआ कुछ यूं था कि फ्रेडरिक वोलर ने एक्सीडेंटली, उसने भी एक्सीडेंटली क्या प्रिपेयर कर लिया था, अमोनियम सियानेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसने उसको उससे यूरिया हमारे पास यूरिन, मेमल्स का जो यूरिन होता है उसमें एक केमिकल होता है जिसको यूरिया बोलते हैं और वो ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो उसने एक्सीडेंटली अमोनियम सियानेट से यूरिया प्रिपेयर कर लिया था लैब में, लिहाजा उसने बोला कि वाइटल फोर्स थ्योरी वाला कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे वाइटल फोर्स थ्योरी जो रिजेक्ट हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो लैब्स में प्रिपेयर होना शुरू हो गए, ठीक है। तो शुरू में हम लोग यही कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ख़ास किस्म के कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से डिफरेंट होती है। लेटर ऑन रिफाइन होते होते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो अब मॉडर्न डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से की जाती है कि हम सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। कार्बन के कंपाउंड्स तो कुछ ऐसे भी हैं जो इनऑर्गेनिक का हिस्सा हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, वो कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं बट वो इनऑर्गेनिक का हिस्सा है। तो मॉडर्न डेफिनेशन जो रिफाइन हो के अब हमारे सामने आई है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडी हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट्स? हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स की स्टडीज या फिर उनके डेरिवेटिव्स की स्टडीज को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ ये दोनों, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये टू एलिमेंट्स हाइड्रोकार्बन्स का हिस्सा होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी की जाती है या फिर हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स को स्टडी किया जाता है। डेरिवेटिव से क्या मुराद है?
डेरिवेटिव से ये मुराद है कि हाइड्रोकार्बन्स में से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को निकाल के, मतलब कि वहां उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी और कंपोनेंट्स के साथ, किसी और एलिमेंट्स और ग्रुप्स के साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से हमारे पास वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स वाला जो फौरन से सवाल पैदा होता है कि वो भी तो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, तो फिर वो ऑर्गेनिक का हिस्सा क्यों नहीं है? वो ऑर्गेनिक का हिस्सा इसीलिए नहीं है क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स नहीं है, वो खुद बजाते क्या है, कार्बन के ऑक्साइड्स है, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है। वो कभी भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हो और तो हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह ऑक्सीजन को नहीं लगाया हुआ, मीन वो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किए हुए नहीं है, लिहाजा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ही नहीं, वो इनऑर्गेनिक का ही हिस्सा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने हमेशा माइंड में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा क्यों नहीं है, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स नहीं है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक है, कार्बोनेट भी इनऑर्गेनिक है, और ये है बाइकार्बोनेट या जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सारे हैं तो कार्बन के, इसमें देखें इवन के हाइड्रोजन भी है बट वो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव नहीं हुआ भाई, ये चारों जो है, तो लिहाजा ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको पढ़ा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा इनको नहीं माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ और इम्पोर्टेंट बात की तरफ मैं चलूँ कि हाइड्रो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और जो कुछ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो कौन कौन से हैं? देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, ये तो क्या है, मस्ट। उसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस और ऑक्सीजन, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हिस्सा होते हैं। कार्बन सिंबल सी, हाइड्रोजन एच, नाइट्रोजन एन, सल्फर एस, हैलोजिन, हैलोजिन में हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन और ऑक्सीजन ओ। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस बनाने वाली है, वो है कि आपको पता होना चाहिए कि ये वाले एलिमेंट्स या एटम्स कितने कितने बॉन्ड्स बनाने के सलाहियत रखते हैं। ठीक है, तो आपने जब भी इनके बॉन्ड्स बनाने हैं उनका नंबर हमेशा आपने सोच समझ के रखना है। कार्बन हमेशा चार फोर बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा वन बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के थ्री बॉन्ड्स होते हैं, सल्फर के टू बॉन्ड्स होते हैं, हैलोजिन का वन बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन के टू बॉन्ड्स होते हैं। अगर आपको ये चीज़ मेमोराइज हो जाती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। ठीक है, आपके स्ट्रक्चर बनाते हुए उसमें गलती के इम्कानात इंतहाई कम हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज का जो था बेसिक, वो इंतहाई बेसिक मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि बर वक्त मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहें। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।